हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा हेयर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BHU पैडसेलर। डेली डोज को कंटिन्यू करते हुए ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है एंड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेंसस 2011, जनगणना 2011 की, इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQs एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सेंसस 2011 का लेक्चर कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो देखेंगे। वेल, फर्स्ट आपको हो गया MCQ एंड देन लेक्चर कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो। सो आप क्वेश्चंस को देखिए, आपके माइंड में सेट हो जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, देन आप लेक्चर कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो को देखोगे, आपके माइंड में खुद क्वेश्चन क्रिएट होंगे एंड आप उसको प्रॉपर वे में समझ पाओगे, राइट? वेल, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? व्हेन वॉज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? ये 1872 में कंडक्ट की गई थी। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये कर दे नियमित रूप से स्टार्ट कब हुआ, ये आपका 1881 से हुआ, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 1881 भी है और 1872 भी है, ध्यान रखना है पहली बार जनगणना कब हुई थी 1872, बट वहीं अगर नियमित लगा देता है नियमित रूप से 1881 से स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? ड्यूरिंग वुज टेन्यू वॉज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या देखिए आपकी 121 करोड़ है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितना है, ये कितना परसेंट है, ये आपका 17.5% भागीदारी है, ठीक है। सेंसस 2011 विच इज पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है, ये 7वीं जनगणना है, ठीक है। इसके पहले और 6 जनगणना हो चुकी हैं आज़ादी के बाद। 8वीं कब होनी है, 2021 में, अभी चल रहा है। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है, ये आपकी कब की जाती है, 15 साल में की जाती है या हर साल की जाती है या 10 साल पर। अगर हर साल की जाती तो अभी हम 2011 का नहीं पढ़ रहे होते, राइट? 10 साल पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। अभी आप 2020 का पेपर अगर उठा के देखो तो जनगणना से क्वेश्चन आया है। वेल, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राइट? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, जनसंख्या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य सिक्किम है भारत का, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो ये आपका 16.50%, ठीक है। 16.50% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व राज्य कौन सा है? ये आपका बिहार है, ठीक है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? सेक्स रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? तो सेक्स रेशियो देखिए, देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या, जी नहीं। देश में प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, नहीं। देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इस अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, लिंगानुपात, ठीक है, ध्यान रखना है सेक्स रेशियो की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य से है? ग्रामीण जनसंख्या, गांव में रहने वाले लोग, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज हाईएस्ट पोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ये आपका किस राज्य का है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय, यहाँ पे शहर की बात की जा रही है, नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो ये आपका है 31.2%, देखिए 31.2%। वेल, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स एंड जो मैं आस्क कर रही हूँ उनके आंसर भी कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, शेड्यूल ट्राइब्स की बात की जा रही है, तो ये कहाँ पर है आपके, ये मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, किस बेस पे की जाती है, लिटरेसी रेट, कुल जनसंख्या से या बच्चों की जनसंख्या से या 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, 7 वर्ष के ऊपर के ही बच्चे तो आपके पढ़ते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो वेल यहाँ से ही देखा जाएगा आपका। कुल जनसंख्या से भी हमें मतलब नहीं है, बिकॉज सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जो जनसंख्या के लोग हैं उनके अकॉर्डिंग जो है लिटरेसी रेट देखा जाता है, और लिटरेसी रेट जो अफेक्टेड होता है, ठीक है, प्रभावित हो रहा है, वो कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2011 में देश के कौन से राज्य में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट सबसे कम थी। अब आप बताइए, साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर हो सकती है, साक्षरता दर की बात की जा रही है। आसानी से आंसर दे सकते थे बिहार। ये बात अलग है कि बिहार के ज़्यादा बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं या फिर यूपीएससी वाले मिल जाते हैं बिहारी, बट यस, साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी बिहार की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ये आपकी 10 करोड़ है, ठीक है, 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। दूसरा स्टेट जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ध्यान रखेंगे। भारत में जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रुका हुआ है या फिर कम हुआ है। कम तो हो नहीं सकता, रुक भी नहीं सकता, निरंतर बढ़ता रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। भारत में जनसंख्या घनत्व तो निरंतर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग, शहर में कितने लोग रहते हैं भारत में, तो आपके शहर में देखिए 37 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, 37 करोड़ लोग शहर में रहते हैं। आप कहाँ रहते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार हम भी देखें हमारे बच्चों में कहाँ रहने वाले जा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच स्टेट इज सेकेंड ओनली टू केरला इन टर्म्स ऑफ फीमेल लिटरेसी। फीमेल लिटरेसी, स्त्री साक्षरता सबसे ज़्यादा केरला में है, प्राउड फील करना चाहिए जो लोग भी केरला से हैं, राइट। केरला के बाद दूसरा कौन सा राज्य है लिटरेसी रेट में, ये आपका मिजोरम है। मिजोरम के लिए भी क्लैपिंग किया जाए। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत आयु होगी 29 साल, ठीक है, 29 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राउड नहीं फील करना, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। महिला साक्षरता दर, फीमेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरला में है, केरल के लिए क्लैपिंग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य, डेंसिटी, पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया कौन सा है, बताइएगा आप मुझे। बिहार, जी बिल्कुल, सबसे घनी आबादी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा है, घनी आबादी पूछ रहा है, मतलब कहने का है कि कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो ये आपका बिहार है, ठीक है, एडजस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत की जनघनत्व क्या है। भारत की जनघनत्व बताइएगा, 382 ध्यान रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताएं जिनमें जनघनत्व सबसे कम है। जनघनत्व कहाँ पे सबसे कम है, मतलब कि इस एरिया पे रहने वाले लोग जो हैं वो कम है, मतलब भीड़ नहीं करके रहते हैं, आराम से रहते हैं, वो आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। अब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व नहीं, जनसंख्या पूछा है, तो जनसंख्या सबसे कम कहाँ की हो सकती है, ध्यान रखिए ना, सिक्किम की होगी। ठीक है, सिक्किम की। ये हमारे क्वेश्चन सेंसस रिलेटेड थे, इसे देखकर माइंड में सेट हो गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। अभी हम कल एक कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो लेकर के आएंगे सेंसस के ऊपर, जिससे कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैंने कहा जनसंख्या सबसे कम, अब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, फिर जितने भी आपके क्वेश्चंस में कवर नहीं हुए टॉपिक, वो सभी चीज़ें कल क्लियर हो जाएंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मुस्कुराते रहिए।